आज मैं आप लोगों के लिए वेज थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं या जब भी आपको खाने का मन करे तो बनाकर खा सकते हैं। इसमें मैंने सेवई, छोले और पूरी बनाया है और वो सारी टिप्स बताया है जिसे ये खाने में स्वादिष्ट लगे। और ये पूरी थाली की रेसिपी बनाने में 40 से 45 मिनट का समय लगा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिता और आप सभी का अमिता कुक्स फूड में स्वागत है। तो चलिए इस थाली की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम छोला बनाएंगे, तो इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इसमें जल्दी बन जाता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले गैस पे कुकर चढ़ाया है। गैस जब गर्म हो जाए तो इसमें हम ऑयल डाल देंगे। इसके बाद इसके लिए कुछ साबुत मसाला लिया है, जिसमें तेजपत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, जावित्री है। इन सब को ऑयल गर्म हो जाने पे हम ऑयल में डाल देंगे। डालने के बाद हल्का ब्राउन होने तक इन सबको भूनेंगे। जब मसाला भुना जाए तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। इसके लिए 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था, जिसे बारीकी कट कर लिया है, तो इसमें हम डाल दिए हैं और इसे भी ब्राउन होने तक भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक। और इन सबको भूनने में फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। तो जब तक हमारा प्याज भुनाता है तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। अदरक लहसुन मिर्च को ग्राइंड कर लिया है और इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अगर आपके पास मार्केट का अदरक लहसुन का पेस्ट है तो उसे आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें और भी मसाला ऐड करेंगे, तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। इन सब को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे करने से मसाला फूल जाता है और कलर बहुत बढ़िया आता है। तो आप इसे ऐसे किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो जितनी देर में प्याज भुनाता है तब तक हम दूसरे चूल्हे पे सेवई के लिए दूध गर्म कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। हमने यहाँ सेवई के लिए 1 लीटर दूध लिया है। अब ये प्याज भी भुना चुका है, हमने यहाँ लो फ्लेम पे 2 मिनट तक भुना है और इसका कलर अब ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाला ऐड कर लेंगे। इसमें मसाला डालने के बाद 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है छोला का, तो आप इसे जल्दी यूज करें। अब यहाँ पर हम टमाटर का प्यूरी ऐड कर रहे हैं। इसके लिए 2 मीडियम साइज का हमने टमाटर लिया था, जिसे ग्राइंड कर लिया है, उसे हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, इसे मैं केवल कलर के लिए यूज कर रही हूँ। अब यहाँ स्वादानुसार नमक डाल देंगे, नमक आप अपने हिसाब से डालें। अब इन सबको डालने के बाद 1.5 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे मसाला को हम भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें हम छोला डाल देंगे। तो हमने इस छोले को 8 घंटे तक फुलाया है और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। इसे अच्छी तरह से हमने पानी से वॉश कर लिया है। तो बस इसे हम छोले के लिए जो मसाला तैयार किया है उसमें हम इसे डाल देंगे। छोले डालने के बाद मसाला के साथ इसे 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। ये छोला बॉयल किया हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसे भून रही हूँ। अगर ये बॉयल रहता है तो इसे भूनने की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे भी साथ में हम भून लेंगे। अभी गर्म मसाला डालने से ये होगा कि फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। तो बीच बीच में ढक्कन से इसे ढक देंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि छोला कितना बढ़िया दिख रहा है और छोला की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो छोला को मसाला में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने भूना है और अब इसमें से ऑयल दिखने लगा है, मतलब कि छोला मसाला सभी अच्छी तरह से भुना चुका है। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। इसमें हमने 2 से 2.5 गिलास पानी डाला है। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि 10 से 12 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे, तो पानी अच्छी मात्रा में रहेगा तो छोला अच्छी तरह से पकेगा। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। छोला पकाते समय फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। जब तक छोला पकता है तब तक हम सेवई बना लेंगे। तो दूसरे चूल्हे पर हम एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें सेवई के लिए जो ड्राई फ्रूट्स लिया है और जो सेवई है उन सबको हम भून लेंगे। तो इसके लिए घी डाला है। मैंने ड्राई फ्रूट्स में किशमिश,
बादाम पिसा लिया है, आप अपने पसंद से ड्राई फ्रूट पीस सकते हैं। इन सब में किशमिश को छोड़कर बाकी सब ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे, किशमिश को हम लास्ट में डालेंगे। इन सब ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा देर नहीं भूनना है, लो फ्लेम पे 40 से 45 सेकंड तक हम भूनेंगे, इससे ज़्यादा इसे हम नहीं भूनेंगे। तो अब ड्राई फ्रूट्स भुना चुका है, इससे ज़्यादा इसे हम नहीं भूनेंगे, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम सेवई को भून लेंगे। ये सेवई लगभग 150 ग्राम है, 1 लीटर दूध पे 150 ग्राम सेवई हमने लिया है, तो इसमें हल्का घी और डाल देंगे और सेवई को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो सेवई जल जाएगा। सेवई को लगातार चलाते रहना है, लगातार चलाने से ये होगा कि सेवई सभी जगह पर अच्छी तरह से भुनाएगा। मैंने सेवई को 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे भुना है और ये अच्छी तरह से भुना चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम अब गैस चूल्हा से उतार लेंगे और इतने देर में दूध बॉयल करने के लिए जो चढ़ाया था तो दूध बॉयल भी हो चुका है, तो हम सेवई बना लेते हैं। अभी हम यहाँ पर एक कटोरी लेंगे और आधी कटोरी दूध लेंगे, इसमें थोड़ी केसर डालेंगे। केसर डालने से ये होगा कि कलर और फ्लेवर जो है सेवई का बहुत बढ़िया आएगा। इसमें डालने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसे फूलने दें, ऐसे आप करके खीर में भी डाल सकते हैं, उससे भी उसका कलर और फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के 5 से 6 मिनट बाद हम सेवई डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को पकने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने इसे पहले डाला है। अब 5 से 6 मिनट हो चुका है, तो अब हम सेवई डाल देंगे और सेवई को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएँ तो अच्छे से पकेगा। हाई फ्लेम पे सेवई को नहीं पकाएं, नहीं तो ये सूख जाएगा और अच्छे से पकेगा नहीं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेवई को पकाएं, या फिर आप खीर भी बना रहे हैं ना तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं तो अच्छे से पकेगा। मैंने यहाँ सेवई को 4 से 5 मिनट तक पकाया है। अब यहाँ हम चीनी ऐड कर लेंगे, तो जैसा आप मीठा खाते हैं उस तरह से चीनी ऐड करिए। तो हमने 1 कटोरी से कम चीनी ऐड किया है, तो इसे हम डाल देंगे। इसके बाद सेवई को 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे हम, ताकि सेवई अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच में सेवई को हम चलाते रहेंगे ताकि सेवई नीचे चिपक ना जाए। तो जितनी देर सेवई को पकने में लगता है तब तक हम फ्लेम को लो कर देंगे और इतनी देर में पूरी के लिए हम आटा गूंथ लेंगे। तो हमने यहाँ गेहूं का आटा लिया है, जिससे नॉर्मली हम रोटी बनाते हैं, तो इसमें हम हल्का नमक डालेंगे। हम यहाँ सादा पूरी का आटा गूंथ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद हल्का मिला लिया है, अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर हम आटा गूंथ लेंगे। पूरी का आटा को हल्का कड़ा रखें, जैसे रोटी के लिए हम आटा बनाते हैं उससे हल्की कड़ी रखें पूरी का आटा, तो पूरी को बेलने में आसानी होता है और पूरी हमारा अच्छा बनता भी है। तो अब पूरी के लिए डो तैयार हो चुका है, तो इसे अब हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम छोले और सेवई को चेक कर लेते हैं। तो अब सेवई हो चुका है, कुल मिलाकर हमने इसे 9 से 10 मिनट तक पकाया है और ये हो चुका है। तो ये जो गर्म है ना, इससे और भी ये पक जाएगा। तो अब इसमें हम केसर वाली जो दूध तैयार किए थे उसे डाल देंगे और ऊपर से 1 चम्मच घी डाल देंगे, ताकि फ्लेवर इन सबसे अच्छी तरह से आ जाए। और इन सबको डालने के बाद गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और सेवई को ढककर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम छोले को देख लेते हैं, तो इसे हम साइड कर देंगे और छोले को देख लेते हैं। छोले को पकाने में हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है और लगभग 12 से 15 मिनट तक हमने पकाया है। सीटी की बात करें तो 7 से 8 सीटी लगाया है। ये देखिए, ये 8वीं सीटी लगा। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक छोले और सेवई दोनों ठंडे होते हैं तब तक हम पूरी तल लेंगे। तो पूरी का जो डो तैयार किया था वो भी सेट हो चुका है, तो हम पूरी तलने के प्रोसेस में चलते हैं। तो पूरी तलने के लिए गैस पे पैन चढ़ाया है, पैन में हम ऑयल डालेंगे और जब तक ऑयल हमारा गर्म होता है तब तक हम डो को छोटे छोटे कर लेंगे। आप जितना बड़ा भी पूरी खाते हैं उतना छोटा कर लें, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। इन सारे को छोटे छोटे करने के बाद अब हम इन सब को दोनों हथेलियों के सहारे चिकना कर लेंगे और पूरी बेलते जाएंगे। हमने 4 से 5 पूरी बेल लिया है, तो अब इसे हम तल लेंगे। पूरी तलने के पहले हम चेक कर लेंगे कि ऑयल गर्म है या नहीं, तो इसमें मैं थोड़ा
थोड़ी सा डाल रही हूँ और ये देखिए एकदम परफेक्ट गर्म है। तो अब हम पूरी इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ एक एक पूरी डालकर तल रही हूँ और ये देखिए कि कितना बढ़िया पूरी फूली फूली बन रही है। तो इसी तरह से हम सभी पूरियों को तल लेंगे। हमने 3 से 4 पूरियाँ तल लिया है और थाली की बाकी सारी रेसिपी भी तैयार हो चुका है। तो अब हम सर्व करने के प्रोसेस में चलेंगे। और ये देखिए कि कितना बढ़िया छोला बनकर तैयार हुआ है हमारा। और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे ना, हल्का सा कलछुल के सहारे मैश कर लेंगे कुछ छोले को, जिससे ना ग्रेवी गढ़ी हो जाती है और ज़्यादा अच्छा लगता है वो दिखने में भी और खाने में भी। तो बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसे हमने तवा पे हल्का गर्म किया है और इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो इसे दोनों हथेलियों से रब करते हुए इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल इस तरह से। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब इन सब को एक बॉल में निकालेंगे और थोड़ी गार्निश कर लेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो सेवई और छोले दोनों को बॉल में निकाल लिया है। इसके ऊपर से हम फ्लेवर के लिए घी डाल देंगे और छोले के ऊपर हरी मिर्च को कट करके हम गार्निश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दिख रहा है छोला और सेवई, और इससे खुशबू भी लाजवाब आ रही है। तो इसे हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो मैंने प्लेट में हल्का सा अनियन डाला है कट करके, और छोला सेवई और पूड़ी, और इन सबको प्लेट में निकाल लिया है। तो आशा करती हूँ कि हमने जो रेसिपी आपको बताई वो अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को किसी भी त्यौहार में या किसी भी दिन आप बनाकर खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।